हाय विंस मैथ इट मस्ट बी मैथ्स बाय यमी, वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स बाय यमी। तो आपके पास एक मैट्रिक्स क्वेश्चन है विद द मिसिंग डेटा। तो मैं आपसे चाहता हूं कि प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस कॉन्सेप्चुअल एंड इजी क्वेश्चन। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, कुछ ना कुछ लॉजिक खोजा होगा एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कभी भी सिक्वेंस सीरीज में अगर आपके पास 32, 25, 64, 36, 9 और 8 दिखे, प्लीज नोट कीजिए, अगर ये आपके पास दिखता है इसका मतलब ये क्वेश्चन होता है सर्च का। आपको सर्च के फॉर्म में लिखना होता है और कुछ भी नहीं करना होता है। 32 इज नथिंग बट 2 रेज टू पावर 5। फाइन, ये आपके पास 2 रेज टू पावर 5 है, ये आपके पास 5 स्क्वायर है, तो आपको दो नंबर्स मिल गए और नंबर इंटरचेंज होते हुए दिखे। ये आपके पास 6 स्क्वायर है एंड इधर 4 क्यूब या 2 रेज टू पावर 6, बट मैं 2 रेज टू पावर 6 में काम करूंगा बिकॉज मुझको यहाँ पे 2 5 एंड 5 2 दिखा है। 9 इज नथिंग बट 3 स्क्वायर, दिस वन इज नथिंग बट 2 क्यूब, और यहाँ पे 25 हुआ है। 25 2 और 5 से बना है, 5 और 2 से बना है। यहाँ पे 26 2 6 से बना है, 6 2 से बना है। मतलब जो नीचे सर्च के डिजिट्स हैं वही ऊपर में लिखे हुए हैं। अब रही बात कि बस 3 2 है तो या 32 है या 23 है, आंसर यही होना चाहिए। अब गौर से देखिए, बहुत सिंपल सा है। पहला डिजिट पहली बार बेस में आता है, दूसरा डिजिट पावर में जाता है। पहला डिजिट पहली बार बेस में आता है, दूसरी बार पावर में जाता है। तो यहाँ पे जो आपका है पहला डिजिट जो बेस में आया है वही पहला डिजिट होता है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट 32। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप देखो जो लिखा हुआ है 25 है, 2 रेज टू पावर 5 को अगर हम हटा दे तो ये 25 लिखा हुआ है, ये 26 लिखा हुआ है, उसी तरह ये 32 होगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 32। बहुत लोगों ने 23 बोला है बट आंसर इज 32। आई होप इट इज ओके। तो आप प्लीज अपने नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट पैड में कि अगर आपके पास 32, 25, 64, 36, 9 और 8 दिखे तो ये सर्च का मिसिंग डेटा या उसका कोई सीरीज क्वेश्चन है। तो आई होप इस टाइप के वीडियोज हम बहुत ज्यादा लाते रहेंगे आपके लॉजिकल रीजनिंग के लिए। एडवांस डीआई और एलआर कैट के भी वीडियोज बहुत जल्द आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई थिंक कि आपको कुछ लर्निंग हमेशा मिलेगी। आप उसको सीखते रहिए, अपना बेस्ट देते रहिए, हम अपना बेस्ट देते रहेंगे एंड गॉड ब्लेस यू। विद द मिनिमल रिसोर्स जो मेरे पास मेरे गांव में है, एक छोटा सा आईपैड, उसी से मैं सारे वीडियोज अभी बना रहा हूँ। तो प्लीज हेल्प कीजिएगा हमें लाइक्स एंड सब्सक्राइब में। हो सकता है ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं हो या वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं हो। तो गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।